अगर तुम किसी के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो उस इंसान के सामने ऐसे दिखाओ कि तुम उस इंसान को समझ रहे हो। अगर उस इंसान को लगेगा कि तुम उसको एक्चुअली समझ रहे हो तो वो अपना दिल खोल के तुम्हारे सामने रख देगा। प्लीज तुम इतने भी अच्छे मत बनो कि मेरी फैमिली को मुश्किल हो जाए तुम्हें रिजेक्ट करने में। नहीं नहीं नहीं, तुम उसकी फिक्र मत लो, वो मैं संभाल लूंगा। अब जब मैंने प्राची को इस घर में देख लिया है तो मैं इस घर से इतनी जल्दी नहीं जाना चाहता। तुम फिक्र मत करो, जब मैं चाहूंगा ना तो तुम्हारे घर वाले सिर्फ मुझे रिजेक्ट नहीं करेंगे, वो मुझसे नफरत करेंगे, ट्रस्ट मी। लेकिन वो सब मैं करूंगा सही वक्त पर, और अभी वो सही वक्त आया नहीं। ओके, गॉट इट, परफेक्ट। एक्सक्यूज मी। या श्योर। अब तो मैं इस घर से तभी जाऊंगा जब मुझे प्राची का सच पता चलेगा। प्राची के रिश्ते का सच। इस घर में कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है इस घर के अंदर। अब वो क्या है मुझे पता लगाना है। मुझे कुछ सुनना ही नहीं है, मेरे से बात ही मत कर तू। अरे मैं क्या सुनूं? बुआ जी, एक बार मेरी बात। मैं क्या सुनूं? मैं मुझे सुनना ही नहीं है बस। अरे मुझसे बात मत कर। बुआ जी, एक बार मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। मैं क्या सुनूं? मैं और एक झूठ बहुत सुन लिया मैंने, तुझे भी और प्राची को भी। मैंने अच्छे से पता है तुम दोनों के बीच ना कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली, प्राची और मेरे बीच में कुछ नहीं है। हाँ, अरे मतलब सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। आप बस ऐसी सोच रही है। मतलब मेरी नजरें गलत देख रही है? हाँ? 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 नहीं, मतलब आपकी नजरें गलत नहीं देख रही। एक्चुअली मैं देखना चाहता हूँ कि आप क्या देख रही। बुआ जी देखिए, अभी जो आपने देखा, जो सुना। और चुप कर, इतना सा था, तब से तुझे इतना बड़ा किया है। हाँ, एक नजर काफी है समझने के लिए कि क्या चल रहा है। पिछले कुछ महीनों से मैंने देख लिया जो देखना था। हाँ? समझ लिया जो समझना था सब कुछ। अरे दो और दो चार ही होते हैं, 400 नहीं हो सकते। बुआ जी आप ये क्या बोली जा रही हैं आप? वही वही जो मुझे दिख रहा है और जो समझ में आ रहा है। मेरे हिसाब से तो तू और प्राची कहीं से भी मियां बीवी नहीं लगते। और तू कह रहा है रिश्ता आगे बढ़ रहा है। हाँ, मुझे तो कहीं से प्यार नहीं नजर आ रहा है। हाँ, वो दोस्तों वाली दोस्ती जरूर नजर आ रही है। नहीं नहीं, अभी जो तूने कहा प्राची को, उसका क्या मतलब है कि मैं सिर्फ दिल जीतना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं? नहीं, क्या मतलब है इसका? नहीं बता ना, अब बता क्या मतलब है इसका। हाँ, इसका मतलब मैं आपको बैठ के समझाता हूँ ना। आइए प्लीज, आइए। अरे खड़े होके नहीं समझा पाया, बैठ के क्या समझाएगा? मेरी बात तो सुन लीजिए प्लीज। मैं बोलूं बुआ जी, मैं ना मैं प्राची से बहुत प्यार करता हूँ, दिल से। पता है मुझे, पर आज वो नाराज है मुझसे, और उसे शांत करने के लिए जब मैंने प्राची का हाथ पकड़ा तो उसने मेरा हाथ झटक दिया और कहा कि मुझे छूना मत। तो मैं बस प्राची को ये कह रहा था कि मेरा जो प्यार है ना वो छूने वाला नहीं। इनफैक्ट मैं दिल से छूना चाहता हूँ बुआ जी, उसे उसे अपना बनाना चाहता हूँ। और बुआ जी सच कहूँ तो मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूँ, और वो ये कि प्राची मुझसे उतना ही प्यार करे जितना मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं तेरी बुआ हूँ, जाके उल्लू किसी और को बनाना। अरे बुआ जी, मैं आपको उल्लू थोड़ी बना रहा हूँ, वैसा कुछ नहीं है। तो मैं मान लूँ कि मैं गांव से आई हूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आता, मान लूँ? वैसे बुआ जी, गांव वाले लोग बहुत समझदार होते हैं। ये बात सही कही तूने। और बुआ जी, अगर आप मुझे नहीं समझेंगी तो कौन समझेगा? हाँ बुआ जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मेरी इतनी केयर करती हैं, मेरे बारे में इतना सोचती हैं, मेरी मेरी शादीशुदा जिंदगी के बारे में इतनी चिंता करती। करनी पड़ती है, पूछ क्यों? क्यों? क्योंकि मैंने देखा है अच्छी अच्छी औरतों को शादी के बाहर चक्कर चलाते हुए, और आखिर में इल्जाम बेचारे लड़के पर ही आता है। हाँ, समझ गया। तुम्हारा पति तुमसे प्यार क्यों नहीं करता? इसका जवाब भी तुम ही दे दो, क्योंकि इसका जवाब भी
तुम ही दे सकते हो। रणबीर ऐसा ही सीधे सीधे कभी समझ ही नहीं पाता कोई इसको। उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है तब जाके इसके दिल की बात पता चलती है। कह रहा है कि मिहिका के लिए यहाँ आया है और सब कुछ ऐसा ही कर रहा है कि दिखाने के लिए कि सच में मिहिका के लिए आया है। पर मुझे पता है, मैं जानती हूँ उसे, ये मिहिका के लिए है, किसी के लिए नहीं आया, सिर्फ मेरे लिए आया है। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? तुम्हें पता है जैसे तुम मुझे जानते हो ना, वैसे मैं भी तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। जैसे तुम कहते हो कि तुम्हें पता होता है मैं क्या सोच रही हूँ, मेरे दिल में दिमाग में क्या चल रहा है, वैसे मुझे भी पता होता है कि तुम्हारे दिमाग में तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, तुम क्या सोचते हो। मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आए। तुम लाख मना करो, कह दो कि नहीं आया हूँ मैं तुम्हारे लिए, लेकिन मुझे पता है तुम यहाँ सिर्फ मेरे लिए ही आए हो। देख के अच्छा लगा मुझे कि आज भी तुम अपने आप को मेरी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट समझते हो। समझ तो कभी थी ही नहीं ना हमारे बीच, हमेशा गलत फहमियाँ ही तो थी। और किसकी वजह से? देखो रणबीर, तुम क्यों करते हो ऐसे, हमेशा हमेशा मुझसे बस लड़ते रहते। तुम्हें लड़ाई करनी होती है, झगड़ा करना होता है। तुम कहीं और क्यों नहीं देखते? मैं तुम्हें दिख जाती तो बस यही सब। तुम मुझ पर से नजर हटाओ ना, और भी तो देखो, दुनिया में और भी लोग हैं। देखो मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ जिंदगी में, मुझे कोई अच्छा मिल गया है अपने लिए, और आई एम श्योर तुम्हें भी मिलेगा, तुम भी मूव ऑन कर लेना, है ना। यू नो व्हाट, तुम किस्मत वाले थे, लकी थे तुम कि मैं थी तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट। अगर तुम मेरे लिए इतनी ही बेस्ट थी तो हम जुदा क्यों हुए प्राची? तुम्हें जरा भी आइडिया नहीं है रणबीर, तुम आज भी मेरे दिल में हो। आज भी मेरा दिल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है, इसीलिए आज भी हर्ट होती हूँ मैं। पर तुम इतना बुरा कैसे सोच सकते हो मेरे बारे में? शोकी, जरा ध्यान से देखा रणबीर मीका के साथ कैसा बर्ताव करता है और प्राची के साथ क्या करता है। एक मिनट। क्या हुआ? अरे आओ तो सही, कहाँ ले जा रहा है? सर आप याद हो, आप कुछ लीजिए। दीदी आपके दिल में चल क्या रहा है, आप मुझे बताओ। देखो मेरा मतलब है कि मैं भाई आपका पहले हूँ, अब जो कहना चाहती है खुल के कहो, ये गोल गोल पहेलियां मत बजाइए। आ गई, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैं कुछ भी बोलूंगी ना तो इस मनप्रीत को दुनिया भर की दिक्कत हो जानी है। इसे पता क्या लगता है कि मैं तेरे कान भरती हूँ। दीदी मैंने आपसे कहा ना, मैं भाई आपका पहले हूँ, बाद में सब कुछ। अब मुझे बताओ, मैं नहीं सोचूंगा कि आप मेरे कान भर ले हो। क्योंकि तू क्या कह रहा था कि रणबीर और प्राची दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं, क्योंकि दोनों रिश्तेदार हैं। रणबीर की शादी प्राची की बहन से होने वाली थी, लेकिन मुझे यहाँ जो दिख रहा है ना, वो रिश्तेदारों वाली पहचान तो नहीं दिख रही है। हद हो गई दीदी, अब बस भी कीजिए। क्यों बस करूं? और तू कौन होती है मुझे रोकने वाली? मैं अपने भाई से बात कर रही हूँ, मुझे रोक रही है? अरे जब तक मुझे टोकती रहती है, कहा ना मैंने इसे ना दुनिया भर की मुसीबत हो जाती है मेरे बोलने से। दीदी आप जो कह रही है ना वो क्या गलत कह रही हूँ? जो दिख रहा है वही तो कह रही हूँ। तो रुक, मैं ना भी साबित करके दिखाती हूँ कि प्राची रणबीर को कैसी नजरों से देखती है। देख उधर देख, देख।
मेरी जिंदगी में मीका है और मीका मेरा कभी झगड़ा होता ही नहीं, कितनी अंडरस्टैंडिंग है मीका, इसी वजह से ना बहुत सुकून है मेरी लाइफ में। अरे मैं कुछ ऊपर ही भूल गई, आई बी बैक। ओके ओके श्योर। मीका अच्छा आराम से मीका। माय गॉड, अभी मीका बहुत बुरी तरीके से गिरती। थैंक गॉड रणवीर ने उसे बचा लिया, वरना सच में बहुत बुरी तरीके से गिरती वो। मैं ठीक हूँ, थैंक गॉड तुम आ गए, वरना मैं गिर जाती। देखा दीदी, रणवीर की आंखों ने सिर्फ मीका को ही देखा, उसने सिर्फ मीका को ही बचाया। शायद तू ठीक ही कह रहा है। तुम ठीक हो ना? यू ओके? I'm fine, but thank you, तुमने मुझे बचा लिया, but मेरे हाथ से वो जार गिर गया मार्बल। अरे इट्स ओके यार, तुम्हारी जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्बल का जार इंपॉर्टेंट है। चलो करती हो, सॉरी। यू शुड बी सॉरी, गलती तुम्हारी है। और अगर हील पहनना आती नहीं है तो पहनती क्यों? जल्दी उठो, सब देख रहे हैं और मैं गाड़ी के पास तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। अरे मीका, कहीं लगी तो नहीं? इसने मेरी हेल्प तक नहीं की, उल्टा मुझे ही सुना के चला गया। ये लड़के सारे ऐसे ही होते हैं कि ये नशे में ऐसे ही होते हैं, लाइफ में पार्टी की, टाइम स्पेंड किया और चल दिए, यही है पार्टी कल्चर। अच्छे लड़के जो लड़कियों की केयर करें आजकल होते ही नहीं है। लिसन, अपने आप को ब्लेम मत करो, तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारा गलती से पैर फिसलाना और दिखाओ तुम्हें लगी तो नहीं गई। तुम्हारे हाथ में चोट लग गई मेकअप, तुमने रेलिंग को इतनी तेज पकड़ा ना। एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें ऑइंटमेंट लगा देता हूँ, ठीक है? गाइस डोंट वरी, मीका अभी ठीक है, बस थोड़ी सी चोट आ गई है, बट डोंट वरी मैं ऑइंटमेंट लगा दूंगा, चलो मेरे साथ। दिखा, दर्द हो रहा है? हाँ थोड़ा ज्यादा। थोड़ा या ज्यादा? आई मीन थोड़ा ज्यादा ही दर्द हो रहा है। डोंट वरी, अभी थोड़ी देर में ना ठीक हो जाएगा। इस दर्द के लिए तुम्हें ये दवाई खानी पड़ेगी। ये चलो अच्छे बच्चों की तरह एक बारी में दवाई घटक जाओ। ये क्या है? ये जादुई नक्शा है। क्या है? दवाई है और क्या है, लो। वो तो मुझे भी दिख रहा है।
वेरी नाइस। मैं ये पूछ रही हूँ कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे यही दवाई खानी चाहिए? छोड़, जाने दो। क्या हंस क्यों रहे हो? मुझे इसलिए पता है कि कौन सी दवाई खानी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत पिटा हूँ, तो मुझे पता है कैसे दर्द में कैसी दवाई चाहिए। क्या तुम पिटे हो? क्यों, ऐसे क्या गलत काम करते थे तुम? मैं नुक्कड़ पे ना लड़कियां छेड़ता था खड़े होकर टाइम पास करने के लिए। रियली? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट यार, तुम्हें लगता हूं वैसा। मैं एक्चुअली बॉक्सिंग का बहुत शौकीन हूं, तो मैं जब बॉक्सिंग करता था तो बॉक्सिंग में ऐसे चोट लगती रहती थी, नॉर्मल था, तो इसीलिए मुझे पता है। बॉक्सिंग ओनली रहे? बॉक्सिंग की वजह से भी, और कभी कभी जब मैं बहुत शराब पी लेता हूँ ना, तो कभी कभार मेरे ऐसे झगड़े हो जाते हैं। ऐसे रेगुलरली नहीं करता, बस कभी कभार। मुझे याद है उस दिन भी जब तुमने मुझे गुंडों से बचाया था, तुम पूरे के पूरे नशे में थे। हाँ, ऑफ कोर्स। अरे यार, उस दिन ना एक्चुअली मीका बहुत ज्यादा शराब पी ली थी मैंने, बहुत ज्यादा। इतनी मैं नॉर्मली पीता नहीं हूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बाय द वे, उस चीज के लिए मैं तुम्हें अभी तक सॉरी नहीं बोला ना। आई एम रियली सॉरी। नो नो नो, व्हाई सॉरी? तुम पूरे नशे में थे, बट मुझे तो बचाया ही था ना तुमने। इनफैक्ट मैं जब से तुमसे मिली हूँ, तुम अच्छे ही हो, तुम हो ही अच्छे। उल्टा मैं प्रॉब्लम हूँ तुम्हारी लाइफ में, पूरी बड़ी मुसीबत बन के आई हूँ। ऐसे क्यों बोल रही हो तुम? क्योंकि पहली बार जब हम मिले थे तो मैंने तुम्हें फ्यू मिनट्स के लिए गलत समझ लिया था। मैंने ये सोचा था कि तुम नशे में हो तो तुम उन गुंडों के बॉस हो। तो जस्ट बिकॉज मैं नशे में हूँ तुमने सोचा मैं बॉस हूँ उनका? ये इतना अच्छा भगवान ने खूबसूरत दिमाग दिया है, इसका इस्तेमाल करो थोड़ा। और फिर वो जो सेकंड टाइम जब हम मिले थे, तो मैंने तो तुम्हें अपनी गाड़ी से ठोक ही दिया था, आई मीन तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा, वेरी गुड। तो इस हिसाब से तुम जब भी मुझे मिलती हो तो एक तो मुसीबत हो जाती है, और दूसरा तो मुझे गलत भी समझती हो। अभी नहीं बोला तुम्हें लगा मैं उनका बॉस हूँ? फ्यू सेकंड्स के लिए। फ्यू सेकंड्स के लिए नहीं, फ्यू मिनट्स के लिए लगा, अभी तुमने बोला मैंने सुना। हाँ ओके, मैंने फ्यू मिनट्स बोला। अरे बातों बातों में भूल गया, तुम्हारी चोट यहाँ पर भी तो है मैडम, इसमें मैं ऑइंटमेंट लगाता हूँ। इसमें ऑइंटमेंट है? नहीं। उसमें देख लो, उसमें होगा। मैं लेके आता। भाई मैं तो बहुत खुश हूँ कि मीका को रणबीर जैसा लड़का मिल रहा है। कितना ख्याल रखता है उसका। ख्याल रखते हुए वो किसी की परवाह ही नहीं करता है, कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। मामी जी आपने देखा ना कैसे सबके सामने रणबीर मीका को उसके रूम में लेके गया। अगर मुझे ऐसा लड़का मिल जाए ना तो मैं तो बार बार गिरती रहूं। चुप कर। अरे सही तो कह रही है मामी जी, मतलब गिरती ना रहे। रणबीर जैसा लड़का ना किस्मत वालों को मिलता है, सेंसिटिव केयरिंग, जो अपने पार्टनर के पेन को ना अपना पेन समझे। अरे दिव्या, जब दो लोगों के बीच में ऐसा जुड़ाव हो जाता है ना जहाँ वो एक दूसरे के दर्द को समझने लगे, तो समझ लेना उन दोनों की आत्माएं भी जुड़ जाएंगी। सोलमेट्स? यस। वैसे दीदी आपको कुछ बोलना नहीं है? बहुत बोली निकल रही है। वैसे मैं कभी गलत नहीं हो सकती, लेकिन लगता है इस बार मेरी नजरें धोखा खा गई। बुआ जी, आई थिंक आप बिल्कुल ठीक कह रही। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे भी उससे माफी मांगनी चाहिए। मैंने भी उसे कितना कुछ कहा, इनफैक्ट उसे जज कर लिया, उस पे शक किया, पर वो लड़का मुझे पहली नजर में पसंद आ गया। याद है अक्षय, जब तुम्हारी डील चल रही थी उसके साथ, मैंने कहा था ना रणबीर जीनियस है, दिल का भी बहुत अच्छा है। मुझे बहुत खुशी है कि कम से कम इस बार मीका ने अपने लिए अच्छा लड़का ढूंढा है। अच्छा गांव जी, सुपर हिट लड़का चुना है मीका ने, हर लड़की के दिल का ड्रीम बॉय, हीरा है। देखा नहीं किसे शाहरुख के रोमांस की याद दिला दी उसने। अब ये शाहरुख कौन है? बुआ जी वो अपना ड्राइवर। अच्छा अच्छा। शाहरुख सबका सुपरस्टार, शाहरुख खान। अब समझ गई। अब सब लोग इतना कुछ बोल रहे हैं तो मैं भी कुछ बोलूं? अच्छा बोल दो। मैंने उनके जैसा लड़का आज तक नहीं देखा, मतलब एकदम सर्वगुण संपन्न है वो। जरूरत पड़ी तो गिरने से बचा लिया, किचन में हेल्प कराते हैं। ऐसा सर्वगुण संपन्न लड़का हर लड़की को नहीं मिलता। लगता है रणबीर सचमुच प्यार करता है मीका से। क्यों प्राचीबू? जी हाँ जी, मैं अभी आई।
वैसे अक्षय पुत्र तू भी तो प्राची से बहुत प्यार करता है ना, प्राची के सामने बोलते तो वो भी शर्मा जाती। मैं तो जा रही। अरे कहाँ? अरे संभल के। मेरे पास, आई मीन रणबीर के पास, है ना नेहा? हाँ, हम भी तो देखे हमारे मीका का शाहरुख उसका कैसे ख्याल रख रहा है। ये हाथ का तो हो गया, तुम्हें कहीं और चोट वोट लगी है क्या? क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहा हूँ मतलब मलहम लगा रहा हूँ चोट पे? नहीं, आई मीन ये नाटक करने की जरूरत नहीं है। आई मीन कोई है नहीं यहाँ, कोई नहीं देख रहा है हमें। नाटक? ओ, अरे मिसअंडरस्टैंडिंग, नाटक वाटक नहीं कर रहा हूँ मैं कुछ। तुम्हें लाइफ में अच्छे लोग नहीं मिले? ऐसे ही करते हैं अच्छे लोग, और मैं ऐसा ही हूँ। तुम्हें चोट लगी है, मैं तुम्हारा ख्याल रख रहा हूँ, ये बहुत नॉर्मल चीज है। अजीब बात, तुम्हारे सामने किसी को चोट लगी तुम उसका ख्याल नहीं रखोगी? मैं दिमाग से कम दिल से ज्यादा सोचता हूँ। नाटक कर रहा हूँ, नाटक कर रहा हूँ, कुछ और नहीं है मेरे दिमाग में। आई एम जस्ट टेकिंग केयर ऑफ यू। और अगर मैं नाटक ही कर रहा होता मीका तो मैं तुम्हें बचाता क्यों? हाँ, वेरी वियर्ड है। सॉरी, एक बात पूछो। ये मत पूछना कि कितने लोगों के साथ नाटक करते हो। नो नो नो, मुझे ये पूछना है कि तुम सिंगल कैसे हो? क्या? आई मीन नो गर्लफ्रेंड, नो वाइफ। और मुझे पता है कि तुम सिंगल हो डेफिनेटली, क्योंकि अगर तुम्हारा कोई अफेयर होता तो वो लड़की तुम्हें एटलीस्ट कॉल करती, तुम फोन पे बात करते। बट मैंने तो कभी नहीं देखा है तुम्हें फोन पे बात करते हुए या किसी का कॉल आया हो। अब मेरी लाइफ में ये है तुम्हारी जगह। जरूरत है कि नहीं है? नहीं। नहीं क्या? जरूरत नहीं। हम बात करते हैं लेकिन फोन पे नहीं करते। बहुत याद आती है। याद तो तब आएगी ना जब याद जाएगी। उसकी याद तो हमेशा दिल में रहती है। प्यार करते थे क्या? बहुत प्यार करते थे। करता था? नहीं, करता हूँ, करता हूँ। बहुत प्यार करता हूँ। I love her, I love her। और वो? वो भी मुझसे? वो मुझसे नफरत करती है। नो 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 नो, वो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि तुमसे कौन नफरत कर सकता है? तुम इतने स्वीट हो, इतने लविंग हो, इतने केयरिंग हो। उसने डेफिनेटली तुम्हें गलत समझा होगा। इतना स्वीट ऐसा कौन होता है? काश काश वो भी मुझे ऐसे देख पाती जैसे तुम देख पा रही हो। उसको मैं स्वीट नहीं लगता। वो तो मुझे देखती है तो उसको बहुत गुस्सा आता है। उसको लगता है वो मेरी जान ले ले। आ, आओ। सॉरी 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 सॉरी, दिखाओ। ख्वाबो ख्यालों में छाई अपने आप को ब्लेम मत करो। हमारी गलती नहीं है, तुम्हारा गलती से पैर फिसलाना। हुई मैं तुम्हारी, हाँ मैं तुम्हारी। दिव्या, अबे नेहा अंदर आओ ना। नहीं, हम लोग सोच रहे थे तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करे। अरे पागल हो गया क्या? कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, तुम लोग आओ। ठीक है, चलो। गुड, कम। तुम लोग इतने क्यूट लग रहे थे कि हमें अंदर आने का मन ही नहीं किया। हाउ स्वीट, थैंक यू। प्राची, अंदर आओ ना। अरे भाभी आओ ना। मैं बस यहाँ से जा रही थी। लेकिन हम तो यहाँ काफी देर से खड़े थे। और सिर्फ खड़े ही नहीं है,
सब कुछ देख भी रहे थे। हाँ, हमने देखा यहाँ क्या क्या चल रहा था। कैसे रणबीर तुम्हारी केयर कर रहा था। अरे यार, चल क्या रहा है ये? मुझे कुछ काम। प्राची, शाहरुख खान वाला पोज ब्रो, हीरोइन को चोट लगी और हीरो पोज लग। दिल करता है बस तुम लोगों को देखती जाऊं, देखती जाऊं। तो देख ही लेती फिर। अरे सुनो ना, डोंट माइंड अस यार, यू गाइस कंटिन्यू। जो मेरा काम था यहाँ पर वो काम हो चुका है, अब मैं चलता हूँ। तुम यहाँ आराम से वक्त बिताओ अपनी दीदी के साथ, उनको हीरोइन बनाओ, मुझे शाहरुख बनाओ। तुम अरे ट्रिंग 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 ट्रिंग, कोई फोन कर रहा है मुझे, मैं अभी आ रहा हूँ। एंजॉय योरसेल्फ गाइस, बाय। हाय हाय हाय, तुम कैसी हो, क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक हो? यू ओके? ठीक हूँ मैं, क्यों, मुझे क्या हुआ? मैं इतना ठीक ना कभी नहीं थी, मैं बहुत ठीक, पूछने की कोई जरूरत नहीं है। अरे क्यों जरूरत नहीं है, ऑफ कोर्स जरूरत है। अक्षय, अक्षय है वो पूछ लेगा मैं ठीक हूँ नहीं हूँ, वो ना मेरा ख्याल रखता है। तुमने देखा नहीं अभी कैसे ख्याल रखा, तो उसे पता है मैं कब ठीक हूँ कब नहीं हूँ। सो इट्स ओके, थैंक यू फॉर आस्किंग। मुस्कुरा क्यों रहे हो, स्माइल क्यों कर रहे हो, ये क्या है? स्माइल क्यों कर रहे हो, कोई जोक क्रैक किया मैंने, मजा आया, क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? तुम क्योंकि बहुत प्यारी लग रही हो यार, बहुत बहुत क्यूट लग रही हो तुम ऐसे बर्ताव करते हुए। क्यूट? हाँ। ये जो कर रहे हो ना, ये फ्लर्ट मत करो मेरे साथ, आई डोंट लाइक इट। फ्लर्ट? मैं तुमसे फ्लर्ट कैसे करूं, किस हक से फ्लर्ट करूंगा? मैं बस कंसर्न्ड हूं क्योंकि तुम ऐसे फिसल गई थी ना सीढ़ियों से, ऐसे सीढ़ियों से कब? हां सीढ़ियों से, तुम थे वहां, मुझे तो लगा तुम नहीं थे, क्योंकि तुम होते तो मुझे बचाते ना।